हेलो दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे पापा हैं। पापा, आप हाँ, बताइए पेड़ पौधे के बारे में। पेड़ पौधे लगाना चाहिए ना? पेड़ पौधे बड़ी अच्छी चीज़ है, आदमी को लगाना चाहिए। इसे हरियाली मिलती है और घर घर अच्छा लगता है, और इसे स्वर्ण वायु ऑक्सीजन मिलता है, बहुत अच्छा होता है वायु। दोस्तों, मेरे पापा भी पेड़ पौधे बहुत लगाते थे। ये जो आंगन में आम ओम का पेड़ है, मेरे मायके में सब पापा ही लगाए हैं। और फूल उल का पेड़ भी मेरे पापा लगाए हैं। और पहले भी बहुत साग सब्जी लगाते थे, सब अधिया पे, वहाँ पे कॉलोनी में था तो प्याज लहसुन चरी और सब गाय के लिए अपना दफ्तर जाते थे, तो उसमें से लहसुन की पत्ती, मूली की पत्ती सब तोड़ ताड़ के टिफिन में लेके जाते थे। हरी सब्जी और उब्जी खाने में पापा मेरे बहुत शौकीन है दोस्तों। और बताइए पापा अपने बारे में। पापा पहले जैसे पढ़ते थे तो खेत जोत के आते थे। पापा बताइए, पहले वाला आप जोत के आते थे, तब लिट्टी उट्टी लगा के खा के तब जाते थे, अपना स्कूल जाते थे ना पापा? हाँ, बहुत मेहनत करते थे, शुरू शुरू में बड़े मेहनती थे, खड़ा बनाते थे, अपने हाथ से खाना सोच लीजिए बनाते दोस्तों, थे, खा पी कर जाते थे स्कूल। सोच लीजिए दोस्तों, मेरे पापा को जैसे कि हवा मार दिया है, इसलिए जैसे बोलने में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन पहले अपने जैसे कि हाथ से ही लिट्टी उट्टी बना के खा के तब जाते थे पढ़ने के लिए। और कार्य खेत जोत के, जैसे बैल से खेत जोतते थे तब आते थे, फिर उसके बाद लिट्टी लगाते थे, खाते थे, तब जाते थे स्कूल। और तभी इनको देखिए किस चीज़ का नौकरी मिला था पापा आपको, बिजली विभाग बिजली विभाग में कैसी है? कैशियर थे दोस्तों। आज तभी इतना अच्छे से घर और बनवा लिए हैं बढ़िया से एकदम। और बताइए पापा। आदमी को मेहनत करना चाहिए, काम तो नहीं होना चाहिए, को अच्छा काम करना चाहिए, मेहनत कर अच्छा पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, और खूब। किसी काम में शर्म नहीं करना चाहिए ना, छोटे से ही आदमी बड़ा बनता है, हाँ, बस, छोटा काम बड़ा काम नहीं होता। हाँ, तो जी आज मेरे पापा का नाम है, पहले सरकारी सर्विस इतना मेहनत किए थे तभी ना, नहीं तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, स्थिति नहीं अच्छी थी पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन तब पर भी ये इनके इनका दिमाग था, पढ़ने लिखने में अच्छे थे ये, और इतना मेहनत घर पे करके भी ये पढ़ाई किए अपना। फिर सर्विस मिर्ज़ापुर में इनकी सर्विस लगी, मिर्ज़ापुर में लगी थी ना पापा? हाँ, मिर्ज़ापुर में 22 साल तक मिर्ज़ापुर में रहे, इसके बाद भदोही में जाकर के भदोही में 8 साल भदोही से रिटायर हो गए। सोच ले दोस्तों, हम लोग मिर्जापुर जब गए थे, एक पाड़े पाड़े नाम के हैं, वो कहने लगे, इतना मेरे पापा के बारे में बताने लगे कि इतने अच्छे वो थे कि कभी भी किसी से रिश्वत नहीं मांगे, इतने ईमानदार थे। अभी तक पापा का वो जो है बखान करते हैं, ऐसे मेरे पापा थे दोस्तों। इसलिए इंसान चला जाता है यहाँ से, लेकिन उसकी जो अच्छाई रहती है उसे ज़िंदगी भर सब याद करते हैं। इसलिए इंसान को अच्छा रहना चाहिए ना पापा? हाँ, और रुपया पैसा तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं है हाथ में। सही, ठीक है पापा, बस रखें? ठीक हाँ है दोस्तों, नमस्कार।